और ऐसे दूसरा भिखारी था, उसको भी कहा भगवान जब आएगा प्रकट होगा तो सूरदास था, उसको तो आंख भी नहीं थी। तो उसको भगवान ने कहा कि तुम्हें जो वरदान मांगना है एक वरदान मांगना, लेकिन वो रोज ताना बाना नहीं बुनता था, पहले से एक ही सोच लिया था, वो रोज सोचता था आज ये मांगे वो मांगे ये ना मांगे वो मांगे, तो एक से बुद्धि स्थिर थी। तो स्थिर बुद्धि, तो उसने कहा भगवान हम चौथी मंजिल से अपने पोतरे को सोने के कटोरे में दूध पीता देख लिया। क्या हुआ? पहले आंख हो फिर अंधे को, शादी हो धन मिले मकान बने, शादी हो बेटा हो पोता हो, पोते को चौथी मंजिल से सोने कटोरा, कितना धन चाहिए? तो जो रोज ये सोचते हैं बाबा से, बाबा आज ये समस्या है, बाबा ये प्रॉब्लम है, बाबा वो प्रॉब्लम है, तो रोज एक नई समस्या आके खड़ी हो जाती है, रोज खड़ी होगी। तो चूहा को भगाया, आटा दाल खाता था, कपड़े उतारता था, चूहा भागा तो तब बिल्ली आ गई, बिल्ली को डंडा मार के भगाया तो कुत्ता आ गया, कुत्ता को भगाया तो गैया घुसी आई। तो एक है निश्चय, एक है विश्वास, एक है भरोसा। तो मेरा तो एक शुभावा वो भरोसा। तो जैसे कहते मीरा जब संतों के बीच में गई तो बाद में उसने गीत सुनाया, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। तो एक संत ने कहा मीरा तुमने गाया तो बहुत अच्छा परंतु इसमें राग नहीं थी। कहा देखो राग चाहिए मनुष्यों के लिए और अनुराग चाहिए प्रभु के लिए, मैंने तो अनुराग में गाया है। तो बाबा पे भरोसा कितना है और अनुराग कितना है। तो जब उस निश्चय से उस लगन से फिर बाबा को भोग लगाते हैं तब फिर कहा गया भोग लगाओ तो भोग ना मिटे।